अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानि रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो हम ये वीडियो लेकर आए हैं, ये सदके के ऊपर वीडियो बनाया है। आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, वैसे तो हम अपने घरों में डेली ही सदका निकालते हैं, या तो वो गोश्त का सदका होता है, या हम अल्लाह ने जितने भी हमें पैसे दिए हैं उसके हिसाब से हम डेली सदका निकाल देते हैं। 2 रुपये, 4 रुपये या 5 रुपये जो भी है, वो तो हम फजीर के टाइम निकालते ही हैं। लेकिन सबसे बेहतर जो सदका है, जो कि उसका सवाब भी बहुत ज़्यादा बताया गया है, वो ये है, अगर हम एक बार सुभान अल्लाह कहेंगे तो उसका बहुत बड़ा सवाब है और बहुत ही बड़ा सदका है, एक बार कहने में सुभान अल्लाह। दूसरा, अगर हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये भी एक सदका है और इसका भी सवाब बहुत बड़ा बताया गया है। अल्लाहु अकबर, ये भी सदका है, ना इसमें पैसे खर्च हो रहे हैं और ना ही आपका कुछ खर्च हो रहा है, सिर्फ आपको ज़बान से एक मरतबा कहना है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और फिर आ जाता है कलमा। अगर हम एक बार ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु, तो ये भी सदका है। तो देखिएगा कितनी छोटी सी ये बातें हैं और कितने छोटे छोटे अल्फाज हैं, और सवाब अल्लाह ताला ने इनका बेशुमार रखा है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी जेब में पैसे होंगे तभी हम सदका देंगे। अगर आप 5 मिनट में 500 बार अपनी ज़बान से ये बोल रहे हो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, तो ये बहुत ही बड़ा सदका है और इसका सवाब बेशुमार है। तो आप रोज़ाना, ज़्यादा नहीं, चलते फिरते भी अगर आप इसको पढ़ेंगे तो माशाल्लाह देखिएगा कितना सदका होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमाज पढ़िए, नमाज कायम करिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।